हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम है, आप देख रहे हो टेक लर्नर। तो भाई, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को मैं दो एप्लीकेशंस बताऊंगा, ठीक है, जिनसे आप मतलब प्रॉपरली यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हो। ठीक है, उसमें ये मोबाइल्स के हैं, वहाँ पर मोबाइल पे और वेबसाइट भी है, आप वहाँ पर वेबसाइट पर जाके भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, एक एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, पिक्सल लैब। ठीक है, इसका आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद अगला जो होगा कैनवा का है, कैनवा का आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो इसका करना क्या होगा, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाइटी थंबनेल बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को रिक्वायर्ड क्या होगा, थोड़ी सी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, जैसे आप पिक्सल लैब को ऑन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो होता है। आप लोगों ने यहाँ पे आके इमेज साइज सेलेक्ट कर लेनी है, आप लोगों ने यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों ने, यहाँ से जैसे ब्लैक या वाइट रख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी पिक है जो आप लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड पे, ठीक है, तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह लगाता हूँ अपनी डाउनलोड, हाँ एज दैट, जिस तरह मैं ये लगाता हूँ, ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ से क्लिक करके लगा सकते हैं। ठीक है, ये लगाने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, ए पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ लिखना चाहते हैं आप वहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ हाउ टू अर्न मनी, ठीक है, ये लिखता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसको सीधा करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं साइज़ पे क्लिक कर देना, आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कलर वगैरह सेलेक्ट कर दे सकते हैं। ठीक है, ब्लैक वाइट जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आता है फॉन्ट्स, फॉन्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप जो कोई भी लगा सकते थे। ओके, उसके बाद बैकग्राउंड ये भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैं ये लगाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इजिली आप यहाँ से ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर लगाना चाहते हैं मैं इसको ऑफ रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्ट्रोक, स्ट्रोक भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रोक का वाइट कलर का जिस कलर का भी लगाना चाहते हैं स्ट्रोक यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना, आप लोग 3D भी बना सकते हैं। ठीक है, 3D शेडो रिफ्लेक्शन भी करा सकते हैं इसको। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप पूरी फोटो को थोड़ा सा लुक देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद ब्राइटनेस पे यहाँ पे आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कॉन्ट्रास्ट है, व्यू है, उसके बाद सेचुरेशन वगैरह वो भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद टिक पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप अगर, हाँ, अगर आपके पास कोई PNG, अगर PNG डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वहाँ यहाँ पे जाके PNG लिख के आप यहाँ से PNGs डाउनलोड करके, ठीक है, यहाँ से आप लोग वो PNGs इम्पोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ कोई PNG, इम्पोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी PNG सेलेक्ट करके यहाँ से ओके पे करके इसको छोटा बड़ा करके यहाँ से आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, PNG। उसके बाद आप लोग करना क्या है, एंड पे जब आपकी पूरी मतलब थंबनेल बन गई हो, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है आप लोगों ने। उसके बाद सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना साइज़ सेलेक्ट करना है, वैसे तो मैंने सेलेक्ट कर रखा था पहले, तो यहाँ पे अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना आप लोगों ने, और जाके आप लोगों ने वहाँ पे लगा देना है, वाइटी स्टूडियो में जाके लगा दें, जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं, यूट्यूब की जिस जगह पे भी लगाना चाहते हैं वो वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, ये थी मेरी वीडियो, अगर आपकी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आगे लाता रहूँगा। और नेक्स्ट जो होगी उसको बताएंगे कैनवा के बारे में। ठीक है, कैनवा में आप लोग कैसे थंबनेल बना सकते हो, वो भी अट्रैक्टिव था के। ठीक, तो अल्लाह हाफिज़।